अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर हमारे पास दो सेट हैं और हमें कहा गया कि उसका कार्टीजियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। आपके पास ए क्रॉस बी लिखा हो या कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखा हो, इसका मतलब होता है कि आपने इन दो सेट को यूज करते हुए इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास सेट होता है, हम जैसे मेरे पास ए लिखा हुआ है, मैंने जीरो लिखा, कॉमा डाला, वन लिखा, इस तरह। लेकिन कार्टीजन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास, हम इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हुए बनाएंगे इनके ऑर्डर्ड पेयर्स। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर आप एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो कहते हैं हमने इसका कार्टीजन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। तो जो सबसे पहले हमारे पास लिखा है ए क्रॉस बी, तो देखते हैं कि इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। ए हमारे पास गिवन है जीरो एंड वन एलिमेंट्स, बी है वन और टू एलिमेंट्स। आपने क्या करना है ऑर्डर पेयर्स बनाने के लिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ऑर्डर पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट। जितने भी ऑर्डर पेयर्स हम बनाते हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमें इस, जब भी हमारे पास इस तरह ब्रैकेट के अंदर दो पेयर भी होने का समझ आ जाएगी कि दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर बताने कैसे कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको उसने कार्टीजन प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करने के लिए, लेट्स सपोज अगर आपको गिवन है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, तो आपने सबसे पहले ए के एलिमेंट को यूज करना है और आपको B क्रॉस A भी दिया जा सकता है। अगर आपको B क्रॉस A दिया है तो फिर B के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाएगा। अगर A क्रॉस B है तो A के एलिमेंट्स को आप पहले यूज करेंगे, अगर B क्रॉस A है तो वो भी ऑपोजिट हो जाएगा, फिर हम B के एलिमेंट्स को पहले यूज करके पेयरिंग करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास A क्रॉस B है, इसमें आपने सबसे पहले A का एलिमेंट उठाया जीरो, जीरो इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए। इसको आपने बाकी बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करके इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते जाना है। तो जीरो को एक दफा वन के साथ पेयर करें, जीरो को फिर टू के साथ पेयर करें, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा टू। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया फर्स्ट का। अब और कोई एलिमेंट नहीं है, अगर हमारे पास थ्री भी होता तो हम उसके साथ भी पेयर बना के यहाँ पे लिख देते। मूविंग टूवर्ड्स द, जब एक खत्म हो जाए, एक को सारे एलिमेंट्स के साथ आपने पेयर करना है, फिर नेक्स्ट आपने एलिमेंट उठाना है और उसको बाकी सब के साथ पेयरिंग करनी है। अब वन को हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर करेंगे, वन 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 कॉमा टू, और इसको भी यहाँ पे लिख देंगे वन कॉमा वन वन कॉमा टू। तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए का आंसर आ जाता है। ये सारे ऑर्डर पेयर्स हमारे पास ए क्रॉस बी के बन गए हैं। लेट्स सपोज इसी का हम बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें इसी का बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो अब सिचुएशन विल बी डिफरेंट। अब हम पहले बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, यहां देखें आप पहले ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं फिर बी के हैं, लेकिन अगर बी क्रॉस ए है तो आपने पहले बी के एलिमेंट्स को लिखे, तो वन पेयरिंग हो जाएगी ए के सारे एलिमेंट्स के साथ, वन कॉमा जीरो वन कॉमा वन, दूसरा एलिमेंट टू कॉमा जीरो टू कॉमा वन। तो ये आपके पास बी क्रॉस ए या कार्टीजन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, ये ऑर्डर पेयर्स बनाए। अब इसको एक अदर सेट की फॉर्म में आप लिख दें तो ये आपके पास कार्टीजियन प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे।